और अब बात करेंगे खेल जगत की। जी हाँ, आज बंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है और तमाम लोग इस मैच का अपने अपने अंदाज में लुत्फ उठा रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मुंबई के सन एंड सैंड होटल में और देखते हैं वहां पर लोग किस तरह से क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे। धर्मेंद्र, बहुत बड़ा मैच है जिस तरह से भारत आज खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, अलग अलग तरीके से लोग लुत्फ उठा रहे हैं इस मैच का, सन एंड सैंड में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है इस मैच को लेकर? जी बिल्कुल, अगर होटल सन एंड सैंड की बात की जाए तो इस वक्त जो है चीफ सेफ हमारे साथ खड़े, उनसे ही पूछते हैं, उनकी केबिन में भी टीवी लगी थी। पर आप बताइए किस तरह का लुत्फ इस वक्त आप उठा रहे हैं मैच का? शुरू में जब सहवाग खेल रहा था आउट हो गया, थोड़ा सा लाल आया था, लेकिन उसके बाद में सचिन जिस तरह से भी खेल रहे हैं, 4 छक्के मार चुके हैं और 100 से ऊपर उनकी स्ट्राइक रेट हो चुकी है, 6 से ऊपर इंडिया की एवरेज चल रही है। मुझे लग रहा है इंडिया 350 तो बनाएगा ही बनाएगा और इंग्लैंड को धूल चटा देगा। इसके अलावा आपसे अगर जानना चाहेंगे तो आप यहाँ पे खाना भी पका रहे, अच्छे अच्छे मैच भी देख रहे, किस तरह से आप अपने आप को सेटअप कर पा रहे हैं? बस मैच देखते देखते अगर खाना बनाना बना रहे, गेस्ट को सर्विस भी दे रहे और अच्छा खासा हम हमारे एंजॉयमेंट भी कर रहे। बस यही दुआ करता हूँ कि अच्छा खासा खेल दिखा के कल जो पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा है उसे हम तोड़े। इसके अलावा आपसे अगर जानना चाहेंगे तो किस तरह का आप मनोबल बढ़ाना सकते हैं इंडियन टीम का? मनोबल बढ़ाने के लिए तो चेयर अप करना और काम करते करते ही उसका आनंद लेना ही चाहिए और उसी तरह वो आनंद रख के काम भी करना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो सारे शेफ यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका एक और भी बहुत अच्छा तरीका है इंडिया को जोश देने का। आप लोग अभी कुछ देर पहले कहने वाले थे किस तरह से आप इंडिया को जोश देंगे, तो देखा आपने इस तरह से इंडिया इंडिया बोल बोल के ये जो सारे हैं भारतीय टीम को इस वक्त जोश देने की होड़ में जुट गए हैं। और ये सारी चीजें देखने के बाद में ये बिल्कुल ही हम लोग अंदाजा लगाएंगे, बल्कि बिल्कुल ही पक्की बात है कि किसी भी हालत में किसी भी सूरत में भारतीय टीम को आज जीतना ही होगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, किसी भी हालत में किसी भी सूरत में आज भारतीय की टीम को जीतना होगा। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल इस बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन समय मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए समय मुंबई, मुझे दीजिए इजाजत।